नमस्कार दोस्तों, रेजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स एवं न्यूज डेस्क के अंतर्गत हम लोग कुछ आजकल की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे, जिससे परीक्षा के संदर्भ में आपकी तैयारी को पूर्ण किया जा सके। तो इसी क्रम में एक एक करके जो है हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं को हम कवर करते हैं। तो इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है, सरकार की एक नीतिगत मामलों में जो शामिल होती है, वो खरीद या जो है विनिवेश के संदर्भ में है, एयर इंडिया की बिक्री का है। तो एयर इंडिया का नियमों के अंतर्गत जो है बिक्री के लिए बोली लगाई जा रही थी और एयर इंडिया की बोली टाटा सन्स के द्वारा जो है लगाई गई, टाटा सन्स के द्वारा लगाई गई बोली सबसे अधिक थी और इन्होंने जो है इसको खरीद लिया। तो इस तरीके से एयर इंडिया की जो खरीद टाटा सन्स के द्वारा की गई है, ये बहुत बड़े स्तर का जो खरीद है। और न केवल ये जो है एक खरीद का मामला है, बल्कि सरकार की जो है एक नीति का भी मामला है। और पिछले काफी समय से जो है सरकार के इस तरीके से जो है सार्वजनिक उद्यम या सार्वजनिक प्रकार के प्रतिष्ठानों की जो बिक्री को जो है चर्चा और विवादों में जो है खड़ा किया जाता रहा है। तो इस पृष्ठभूमि में जो है ये नीतिगत मामले थे, जिसके अंतर्गत जो है एयर इंडिया का जो है टाटा सन्स के द्वारा जो है खरीद किया गया है। तो ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है न्यूज के अंतर्गत है। अभी हाल फिलहाल में जो है एक दून ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किया गया है। और ये मेला जो है दून के नाम से जैसा है, वो देहरादून में जो है ये मेला आयोजित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा देहरादून में दून ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। बेसिकली दून ड्रोन जो है वो एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके अंतर्गत मानव रहित युक्तियों को जो है हवाई मार्ग के द्वारा एक दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वहां की पिक्चरें ली जाती है, वहां पे कंट्रोल किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, इससे सरकार उन दुर्गम क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को मजबूत करती है, जहां पर मानव का भेजा जाना निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आयु के लिए, उनके जान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विभिन्न प्रकार के दुर्गम आपदा, बाढ़, इन सभी जो क्षेत्रों में मानव के नियंत्रण और पहुंच को जो है आसान बनाता है, जिससे उस क्षेत्र में अपनी पहचान, अपनी जो है उपस्थिति, अपने नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको संचालित किया जाना संभव होता है। तो इस तरीके से दून ड्रोन मेले का आयोजन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा देहरादून में जो है आयोजित किया गया। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज है। दूसरी एक महत्वपूर्ण न्यूज भूगोल, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्र से है। जीआई टैग को लेकर के, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक को लेकर के है, जहां पर केरल में आम और मिर्च के जो है दो प्रजातियों को, आम एवं मिर्च के दो प्रजातियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुट्टी कट्टूर, थोड़ा सा नाम जो है दक्षिण भारत का लग भी रहा है, तो केरल से है संबंधित, मिर्च में है एडियूर मिर्च और कुट्टी कट्टूर जो है आम के दिन दो प्रजातियों को केरला में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से जियोग्राफिकल इंडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है महत्वपूर्ण है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली फसल, वृक्ष या किसी भी प्रकार के जो है उत्पाद को वहां की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर चिन्हित किया जाता है और उन्हें ये दर्जा प्रदान किया जाता है। बेसिकली ये जीआई का टैग केरला में जो आम और मिर्च के इन दोनों प्रजातियों, कुट्टी कट्टूर और एडियूर को जो है दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो पुरस्कार, सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत रे पुरस्कार ये तेलुगु फिल्म निर्माता बेजवाड़ा गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है। और ये चौथा पुरस्कार था और ये जो है तेलुगु फिल्म निर्माता बेजवाड़ा गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है। और इसी पुरस्कार की श्रेणी में अगला जो है आर्यभट्ट पुरस्कार है।
आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को जो है दिया गया है, जी सतीश रेड्डी को जो है दिया गया है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है एक तकनीकी आधार पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को जो है दिया गया है। तो ये दो पुरस्कारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो है खबर है, जिसे जानकारी में रखना आवश्यक है, अपनी तैयारी के कल्चर में जो है शामिल करना आवश्यक है। और ऐसे देखते देखते आप जो है विभिन्न प्रकार के जो है करंट से रिलेटेड जो है न्यूज को तैयार कर ले जाएंगे, उसके बारे में एक समझ विकसित करने में जो है सफल हो जाएंगे। हाल फिलहाल में एक और महत्वपूर्ण न्यूज ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है। ब्लूमबर्ग एक ऐसा जो है संस्था है, एक ऐसी जो है बॉडी है, निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिलीनियर की जो है सूची जारी करता है। तो इन बिलीनियर की जो है सूची जारी की गई है इनके द्वारा, मतलब 100 बिलियन धारण करने वाले जो है ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी की गई है जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो यानी कि ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स की जो सूची जारी की है उसमें पहले स्थान पर जो है टेस्ला के एलन मस्क को रखा गया है, और वहीं पर दूसरे स्थान पर जो है अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस को रखा गया है, जेफ बेजोस। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, टेस्ला के जो है एलन मस्क 100 बिलियन डॉलर रखने वाले लोगों की जो है ब्लूमबर्ग के द्वारा सूची में पहले स्थान पर हैं। तो ये कुछ थी जो है आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज और घटना जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखना आप लोगों के लिए जो जरूरी है। तो इस करंट अफेयर्स के साथ साथ अपने टारगेट को, जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस पर आधारित स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और उस स्टडी मटेरियल का साइंटिफिक ढंग से जो है अध्ययन होना चाहिए, और उस अध्ययन का आपके जो है विचार में, आपकी चिंतन प्रक्रिया में जो है शामिल होना चाहिए। इसके आधार पर आप अपनी परीक्षा की ईमानदारी और मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। मेहनत का तात्पर्य यह है कि आपका जो सिलेबस है वो तैयार होना चाहिए, और ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि आपको प्रत्येक दिन शाम को यह प्रतीत होना चाहिए कि आपने दिन में कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है, कुछ ना कुछ आपने अर्जित किया है, शैक्षिक आधार पर आपने कुछ ना कुछ अर्जित किया है, वैचारिक आधार पर आप धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, और यह समृद्धि आपको एक दिन आपके लक्ष्य के नज़दीक जरूर ले जाएगा, अगर आपके उस पथ पर चलने के मार्ग में जो है आपके प्रयास में कहीं ना कहीं ईमानदारी और मेहनत का एक भाव है। तो आज के लेक्चर में कुछ इन्हीं विचारों के साथ हम इस संक्षिप्त जो है वार्ता को समाप्त करते हैं। पुनः अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।